Hey guys, welcome back at my YouTube channel English World. Today we will read some important questions on William Wordsworth and his poem Tintern Abbey. So now let us start. Question number 1. When was William Wordsworth visited Tintern Abbey first? Tintern Abbey का meaning होता है, Tintern एक नाम है मठ का, Tintern Abbey इंग्लैंड में है मठ. और क्वेश्चन ये हमारा, when was William Wordsworth visited Tintern Abbey first? पहली बार William Wordsworth Tintern Abbey कब विजिट करते हैं? In the summer of 1793 and probably the month of June. June month में, summer में, समर इट मीन समर का सीज़न है और संभवतः जून का महीना है. 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ पहली बार टिंटन एबे को विजिट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ रिटर्न फ्रॉम फ्रांस? फ्रांस की रक्त रंजित जो क्रांति हुई थी वहाँ से विलियम वर्ड्सवर्थ कब वापस आए थे? इन द विंटर ऑफ 1792. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज वर्ड्सवर्थ एज वेन ही विजिटेड टिंटन एबे फर्स्ट टाइम? 1792 में विलियम वर्ड्सवर्थ वापस आते हैं फ्रांस से, और 1793 में फर्स्ट टाइम वो, क्योंकि वो बहुत व्याकुल हैं, बहुत बेचैन हैं, अपने मानसिक शांति पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो टिंटर्न एबे विजिट करते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, यंगर सिस्टर डोरोथी के साथ. और उस समय उनकी एज थी 23 ईयर्स ओल्ड जब वो पहली बार टिंटर्न एबे जाते हैं 1793 में, तो उनकी एज 23 ईयर्स थी. और हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 1770. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होम डिट विलियम वर्ड्सवर्थ विजिट टिंटर्न एबे? विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एबे किसके साथ विजिट करते हैं? विथ हिज यंगर सिस्टर डोरोथी. डोरोथी के साथ विजिट करते हैं टिंटर्न एबे. और ये याद रखना है फ्रेंड्स कि दोनों बार वो डोरोथी के साथ आते हैं, फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी. वेयर इज टिंटर्न एबे सिचुएटेड? टिंटर्न एबे कहाँ पर है? इन इंग्लैंड. जो टिंटर्न मठ है, एबे है, ये इंग्लैंड में है. और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें. और साथ ही साथ, इफ़ समवन इज़ वॉचिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलटी सिलेबस एंड अदर एग्जाम्स, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स लेटर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ विजिट टिंटर्न एबे अगेन? कितने साल बाद विलियम वर्ड्सवर्थ फिर से टिंटर्न एबे विजिट करते हैं? आफ्टर 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एबे फिर से विजिट करते हैं. और अब कौन सा टाइम था? जुलाई मंथ, 13 जुलाई 1798 में, क्योंकि 1793 में फर्स्ट टाइम वो आए थे, और सेकेंड टाइम 5 साल बाद जुलाई 13, 1798. नेक्स्ट क्वेश्चन, When was Tintern Abbey first published? Tintern Abbey पहली बार कब पब्लिश हुई? ये जो Tintern Abbey उनकी पोएम थी, ये इन सेप्टेम्बर 1798 में, दैट पोएम वॉज पब्लिश इन सेप्टेम्बर 1798. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएटिक कलेक्शन द पोएम वॉज पब्लिश? किस पोएटिक कलेक्शन में आई थी ये पोएम सबसे पहले? लिरिकल बैलेट्स में. लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश इन 1798 एंड दिस पोएम Tintern Abbey वॉज कलेक्टेड देयर इन दिस कलेक्शन, लिरिकल बैलेट्स, इन 1798. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म द पोएम इज रिटन? किस फॉर्म में पोएम लिखी गई? ब्लैंक वर्स में. याद रखना है फ्रेंड्स, ब्लैंक वर्स में पोएम है टिंटर्न एबे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ इट्स थीम? इसकी थीम की क्वालिटी क्या है? ये एक रिफ्लेक्टिव टाइप की पोएम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर हूज बैंक पोएट इज स्टैंडिंग इन द पोएम? ये जो पोएम है इसमें एक रिवर है जिसके किनारे पर, बैंक पर खड़ा होकर के पोइट इस पोएम को रचना करता है. तो ये कौन सी नेम क्या है रिवर का, कौन सी नदी है? तो ऑन द बैंक्स ऑफ द वे रिवर, वे रिवर की बैंक पर वो खड़ा है, वे रिवर के किनारे पर खड़ा हुआ है और वहाँ पर ये पोएम की रचना करता है. और ये घटना तब होती है जब वो टिंटर्न एबे विजिट कर लेता है सेकेंड टाइम, और लौटते समय वे रिवर पड़ती है. एटलीस्ट द डिस्टेंस ऑफ टिंटर्न एबे एंड वे माइल्स इज 10 miles, लगभग 10 miles की है वे रिवर और टिंटर्न एबे की डिस्टेंस 10 miles की है. और 10 miles टिंटर्न, इसीलिए जो इसकी लाइन्स हैं अबव द पोएम रिटन अबव टिंटर्न एबे, टिंटर्न एबे से पहले ये लिखी गई है, मतलब टिंटर्न एबे से फ्यू माइल्स अबव, थोड़ी दूरी पर लिखी गई है. तो लगभग वे रिवर और टिंटर्न एबे की दूरी 10 miles की है.
और वहाँ पर पोएम खड़े होकर टिंटर्न एबे विजिट करने के बाद वापसी की यात्रा में पोएम लिखता है। तो ये भी हमें याद रखना है इन द रिटर्निंग, कि लौटते समय पोइट पोएम को की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वे सिचुएटेड, वे कहाँ पर सिचुएटेड है, जो वे रिवर है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। द वे इज़ अ ग्रेट रिवर ऑफ वेल्स, एक्चुअली वे एक वैली टाइप में है, खाड़ी टाइप में है, और ये वेल्स मतलब वेल्स जो कंट्री है उसकी रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है। वेल्स इज़ अ कंट्री दैट इज़ पार्ट ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है वेल्स और जो कंट्री है, और आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन का एक आइलैंड है और यूके का पार्ट है वेल्स कंट्री, और ये वहीं की रिवर है, वे रिवर वहीं पर फ्लो करती है। तो वेयर डज द वे रिवर फ्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रिवर कहाँ बहती है। थ्रू सेंट्रल वेल्स एंड एंटर साउथ वेस्ट इंग्लैंड। जो वे रिवर है ये सेंट्रल वेल्स में फ्लो करती है, और वहाँ से फ्लो करते हुए ये एंटर करती है साउथ वेस्ट इंग्लैंड में, और हमने पढ़ा है टिंटर्न एबे कहाँ है, इंग्लैंड में। तो इस तरीके से ये एक पार्ट है उसका, वे रिवर का संगम है जहाँ पर पोइट खड़ा है बैंक पर, और जहाँ पर वे वैली भी हम उसको कह सकते हैं, और पोइट वहीं पर खड़े होकर के वो बहुत थ्रिल्ड होता है रिवर को देख करके, और उसका बहुत आनंदित महसूस होता है, समथिंग गेट सम इंस्पिरेशन, बिकॉज वी नो वर्ड्सवर्थ इज़ अ नेचुरल पोइट एंड ही गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, बहुत उसको रेस्ट मिलता है, बहुत उसको पीस मिलती है, तो वहीं पर वो खड़े होकर के वो पोएम की रचना करता है। और वेल्स जो कंट्री है इज़ अ बॉर्डर बाय इंग्लैंड टू द ईस्ट, और ईस्ट साइड से ये जो है इसका बॉर्डर है इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, पोएम की मेन थीम क्या है। वर्ड्सवर्थ्स लव ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड फाइनली एज मिस्टिकल पैंथिज्म, वर्ड्सवर्थ का जो प्रकृति प्रेम है और वो एक मिस्टिकल पैंथिज्म की ओर पहुंच जाता है। इट मीन्स पोइट नेचर में आध्यात्मिकता को देखने लगता है, उसको ईश्वर नज़र आने लगते हैं, ये दिस इज़ कॉल्ड मिस्टिकल पैंथिज्म। और उसका जो प्रकृति प्रेम है वो एक इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो कि प्रकृति की हर चीज़ में उसको ईश्वर नज़र आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पैंथिज्म, पैंथिज्म क्या है, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे ऊपर मिस्टिकल पैंथिज्म, अ डॉक्ट्रिन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स। पैंथिज्म एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें कि ईश्वर को इस ये जो यूनिवर्स है ये संसार है इसमें हम ईश्वर को पहचानते हैं, आर रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, और ऐसा मानते हैं कि जो प्रकृति है, मनुष्य है, ये जो संसार है, इसमें संसार के प्रत्येक तत्व में, प्रकृति के हर एक तत्व में हम गॉड का आत्मसात करते हैं, गॉड का अवलोकन करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं गॉड का, प्रत्यक्षीकरण होता है हमें और अनुभूति होती है, दैट इज़ कॉल्ड पैंथिज्म। तो जो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका लव ऑफ नेचर है वो उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो प्रकृति में ईश्वर के दर्शन करने लगते हैं, ईश्वर का आत्मसात और प्रत्यक्षीकरण करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, सो सिंपल क्वेश्चन एज वेल एज इम्पोर्टेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। इसके एक्चुअली इसमें मंथ और डेट याद रखनी, 1770 तो वी नो ऑल वेरी वेल, बट मैनी टाइम्स वी बिकम कन्फ्यूज अबाउट इट्स मंथ एंड डेट। 7 अप्रैल 1770 कोकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ डाइट, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी। ऑन अप्रैल 23, 1850 अप्रैल में ही उनका जन्म भी हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ का अप्रैल में ही उनकी डेथ भी हुई, बस डेट अलग थी, जन्म 7 अप्रैल को हुआ और डेथ 23rd ऑफ अप्रैल को ही, और ईयर था 1850 एट हिज होम इन रेडल माउंट वेस्टर मोरलैंड इंग्लैंड में। तो रेडल माउंट वेस्टर्न मोरलैंड इंग्लैंड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ही बिकेम पोएट लोराइट ऑफ इंग्लैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ कब पोएट लोराइट बने इंग्लैंड के। इन 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लोराइट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम, ये जो पोएम है टिंटर्न एबे इसका कंप्लीट टाइटल क्या है जो कि पोइट ने दिया था। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटर्न एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798।
तो ये कंप्लीट टाइटल है इसका, जिसको कि बाद में संक्षिप्त करके टिंटर्न एबे सिर्फ लेकर करके बोला जाता है, बट इसका कंप्लीट जो टाइटल है वो ये है कि पंक्तियाँ जो कि लिखी गई टिंटर्न एबे से कुछ मील की दूरी पर और एंड रिविजिटिंग ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे, जब पुनः दोबारा विजिट किया गया है वे रिवर के किनारे को, तब इस टूर के दौरान July 13, 1798 में ये पंक्तियाँ लिखी गई। तो ये इसका कंप्लीट टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, पोएम में कितनी लाइन्स हैं, 160 लाइन्स, ये जो पोएम है 160 लाइन्स में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द नेचर इन द पोएम, ये जो पोएम है इसका इसमें ट्रीटमेंट ऑफ नेचर क्या है, द पोएटिक थॉट कंसिस्ट ऑफ 5 हारमोनियस पार्ट्स, ये जो पोएम है 5 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ब्रीफली पता भी चल जाए और हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों के से मतलब पोएम कैसे कैसे ग्रो करती है, कैसे कैसे पोएम का डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, और पोएट का नेचर, नेचर का भी कैसे ट्रीटमेंट होता है इस पोएम में। नेक्स्ट नंबर 1, फर्स्ट पार्ट जो है वो 21 लाइन्स में, द ब्यूटी ऑफ द वे वैली, पोएट जो फर्स्ट पार्ट है पोएम का उसमें वे वैली की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। सेकंड पार्ट में द बेनिफिट्स ऑफ द मेमोरीज ऑफ हिज फर्स्ट विजिट, और पोएम के सेकंड पार्ट में वो उन बेनिफिट्स के बारे में बात करता है जो उसने पहली बार जब विजिट किया था, जो उसकी यादें हैं अभी भी उसके माइंड में, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करता है। थर्ड पार्ट में ही एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड टू द वे, और तीसरे पार्ट में वो वे रिवर के लिए अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता है, उसको थैंक्स दे करता है, पे करता है कि क्यों किस तरीके से वे उसको मेंटल पीस दे रही है और उसको प्रकृति से प्रेम भी होता जा रहा है और जो वे रिवर से में वो इंस्पिरेशन जो प्राप्त कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो उसमें व्यक्त करता है वे रिवर के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को। नेक्स्ट पार्ट इनडायरेक्टली डिस्क्राइब्स स्टेट्स ऑफ हिज लव ऑफ नेचर, फोर्थ पार्ट में वो इनडायरेक्ट वे में जो उसका प्रकृति के प्रति प्रेम है उसके स्तर को का वर्णन करता है, जो फोर्थ स्टेजेस में उसका लव ऑफ नेचर ग्रो करता है उस चीज़ को उसमें बताता है। फिफ्थ पार्ट है हिज एड्रेस टू हिज सिस्टर डोरोथी, जो पांचवा पार्ट है फिफ्थ पार्ट है उसमें वो अपनी बहन डोरोथी को एड्रेस करता है कि डोरोथी ने उसको सपोर्ट किया, जो उसका लव ऑफ नेचर है उसमें शी बिकेम हेल्पफुल, इवन शी इज़ यंगर बट शी बिकेम हेल्पफुल एंड पाव्स द पाथ ऑफ His love of nature, जो एक मार्ग दिखाया उसको प्रकृति प्रेम का कि he has become the true worshipper of nature। तो इस तरीके से वो अपनी बहन को थैंक्स अदा करता है और उसको संबोधित करता है कि she has become ever with him in the treatment of nature. This is the treatment of nature. In this way, we have read in these 5 stages and or we can say the 5 harmonious parts. Next question, the meter is applied in the poem. इस पोएम में कौन सा मीटर अप्लाई किया गया है, जिस किस मीटर में पोएम लिखी गई, इन द लॉन्गेस्ट लाइन्स इज आयम्बिक पेंटामीटर एंड इन द शॉर्टेस्ट लाइन इज़ अ वर्स ऑफ 1 आयम्बिक फीट, जो सबसे लंबी लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और जो छोटी लाइन्स हैं वो 1 आयम्बिक फीट में हैं, जो छोटी लाइन की कविता है वो 1 आयम्बिक फीट में और लंबी लाइन की आयम्बिक पेंटामीटर में। So friends, in this way we have read some important questions from Tintern Abbey and I hope you would like it and these will be prove beneficial in your exams. So if you like it, don't forget to give the thumb of like and please subscribe my channel and share this video with your friends and on other social medias. So in this way, keep watching my videos. Thank you friends. All the best.